रायपुर मौसम विभाग से बड़ी खबर आ रही है सामने कि छत्तीसगढ़ में ओले भरी बरसात। रायपुर बिलासपुर सहित अधिकांश जिलों में तेज बरसात के साथ ओले भी गिरे। चक्रवाती हवाओं ने छत्तीसगढ़ का मौसम बदल दिया है। मंगलवार को रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव, कोरिया, कवर्धा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, बेमेतरा सहित अधिकांश जिलों में बरसात हुई। रायपुर, कवर्धा, बेमेतरा में ओले भी गिरे। इस बरसात की वजह से दिन के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी हुई। प्रदेश के कोरिया, बिलासपुर जैसे कुछ हिस्सों में दोपहर बाद गरज चमक के साथ बरसात शुरू हो गई थी। शाम होते होते सरगुजा, बिलासपुर और रायपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में बरसात होने लगी। इस बीच दुर्ग संभाग के जिलों में बरसात के साथ ओले भी गिरे। रायपुर में शाम को हवा तेज हो गई। करीब 8 बजे से यहां बरसात होने लगी। इसके साथ ओले भी गिरे। गरज चमक के साथ बरसात देर रात तक होती रही। इस दौरान कई निचले इलाकों में पानी भर गया। ठंडी हवाओं की वजह से रात अधिक ठंडी महसूस होने लगी। रायपुर मौसम विभाग की माने तो छत्तीसगढ़ में 29 दिसंबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने तथा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ओले भी गिर सकते हैं। ओलावृष्टि का क्षेत्र मुख्य रूप से प्रदेश का उत्तरी भाग होगा। वहीं कुछ क्षेत्रों में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा बनने की प्रबल संभावना है। अधिक तापमान में गिरावट होगी जबकि न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने वाली है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा का कहना है कि बरसात की वजह से दिन के तापमान में गिरावट आएगी। ऐसे में ठंड का एहसास बढ़ने लगेगा लेकिन रात सामान्य से अधिक ठंडी हो जाएगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट कुछ दिनों तक ऐसी ही बनी रहेगी। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि ऊपरी हवा का एक चक्रवाती घेरा दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उसके आसपास 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर बना हुआ है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान के उत्तर तेलंगाना तक विदर्भ होते हुए एक द्रोणिका भी 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। वहीं एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा उत्तर पश्चिम के मध्य भाग में 1.5 किलोमीटर पर स्थित है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बरसात संभावित है। कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना भी बनी हुई है। कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। ऐसा ही मौसम 29 और 30 दिसंबर को बनी रहने की संभावना भी बन रही है। 30 दिसंबर के बाद मौसम साफ होगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और रातें अधिक ठंडी हो जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारे द्वारा बताए गए मौसम का हाल और मौसम की जानकारी। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।